जी हाय नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं कोनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे फेसबुक और यूट्यूब में, जहां की हर रोज़ व्लॉग आ रहे हैं आजकल। और मैं हूं अहमदाबाद में और दीदी जीजा जी के पास में, आपको पता ही है, दो तीन दिन पहले आई। तो चलिए सुबह की बात है, आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, अब आप सोच रहे होगे कि कोनी पाठक यहाँ क्यों आई है, मतलब अपनी दीदी के पास। तो वो मेरे पंखे साफ़ करने आई है, क्योंकि मेरी हाइट इससे कम है और मैं अपने घर के कम पंखे साफ़ नहीं कर पाती। तो ये हमारा जुगाड़, देखो मेरे प्यारे दर्शकों, सोफे के ऊपर चढ़ के। हाँ मेरे प्यारे दर्शकों, आप में मेरी माँ भी शामिल है। मेरी प्यारी माँ, मिल गई कलेजे में ठंडक। मम्मी को बार बार तू क्यों बोल रही है यार। मैं क्योंकि मम्मी ने मुझसे बोला कि, तो उसको इसलिए बुरा लग रहा था। देख तुम लोग घर में सब लोग एक साथ थे मिठू, और मैं यहाँ से रो रही थी फोन में कि मेरे पास कोई नहीं आ रहा, इसलिए मम्मी ने तुझे यहाँ भेजा। और मैं कितनी चिल थी, मैं काफल खा रही थी, हिसालू खा रही थी, और यहाँ मैं यहाँ दूर खा रही हूँ। हिसालू काफल से ज़्यादा अच्छा काम कर रही है तू, पुण्य का काम मेरा पंखा साफ करके। ये वाइट है ना, ये हर 15 दिन में गंदा हो जाता है, मैंने परसों ही करे थे सच्ची में। आप लोग सोच रहे होंगे मैं सफाई नहीं करती, लेकिन मैं करती हूँ। वाइट है ना, बहुत जल्दी हो जाता है। और सामने ये बालकनी है ना, यहाँ से बहुत डस्ट आती है दोस्तों, ये सच है। हाँ सच है, ठीक है तो काम कर लेते हैं फिर। तो ये तो कैमरे वाले लोग तो लेके आ देंगे, कैमरा कहीं से है ना, क्या कर सकते हैं। मेरी बहन कितनी अच्छी है, देखो आते ही मेरे सारे कपड़े अच्छे से रख रही है। क्यों रख रही है, उसका भी एक रीज़न है, उसको पता है कुछ ना कुछ मिल जाएगा मुझे पहनने के लिए। जैसे दिस टी-शर्ट, आई एम वेयरिंग दीदी की टी-शर्ट। सारे कपड़े, क्योंकि मेरे बहुत मैस हो रहा था ना, बहुत टाइम से मैंने किया नहीं था, तो सारे निकाल के उसने फोल्ड करके रख दिए। मैं बड़ी खुश हुई, फिर मुझे बाद में याद आया कि यार इसको ना अपने बारे में सोच रहा होगा कि मुझे जो भी मिलेगा मैं पहनूंगी करके ना, तभी कर रही है ना। सच बता, सच बता बहन। नहीं ये सच नहीं है, ये शाश्वत सच है। हाँ हाँ साढ़े दिन का खाया लगा देना, मुझे तो बहन का नाइट आउट का प्लान है आज, पेट्रोल भराने गए कल चाबी छुपा गाड़ी की। क्या बोला तूने? मैंने कहा कि मेरी बहन से कुछ सीखो, खाना सोने से पहले ब्रश करती है। कुछ कहना चाहेंगे आप? बकवास बात कर रही है। इन्हें बस एक ही चीज कहनी आती है, फिर से बोलो बकवास। क्या कहना चाहिए जी? इसका कंटेंट मिल रहा है असली में, देख मुझे कितना आ रहा है। तो बता तो सही, क्या कहती थी जीजा जी को? तो बोलना बोलना दीदा, कुछ नहीं क्या कहो। कहीं जा रहे हो रात को भी 11 बजे जाएंगे कैसे जाते हैं, अभी देखती हूँ। दीदी कह रही है देखती हूँ कैसे जाते हैं घूमने। थोड़ा सा मैं बाहर जाके थोड़ा नाइट वॉक पे जा रहा हूँ, आई विल बी बैक बाय 1 आवर। एक एक घंटे की वो चाहिए ना लोकेशन। इनका 2 मिनट मतलब 2.5 घंटे, अब कैलकुलेट कर तू 1 आवर मतलब कितना होगा। तुम लोकेशन मांगो उनसे, लाइव लोकेशन है, लाइव लोकेशन। मैं फोन घर में रख के जाता हूँ, बहुत ही फोन घर में रख के जा, फोन जेब में होगा तो वॉच मुझे करती हूँ, वॉच यहाँ होगी तो कैमरा ऑन करके रखती हूँ, सब सुनती हूँ क्या कर रहे हैं। मैं इसको घर पे रख के जाऊंगा, मेरा 14 प्रो मैक्स। शो ऑफ कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, यहाँ नहीं चलता शो ऑफ। दीदी ने गिफ्ट किया आपको? हाँ दीदा, क्या क्या दे दिया मैंने इनको? गुणे ही है इनको, गुणे और गुणे। दीदी ने क्या और पैसे दिए? दीदी ने किया और पैसे आपके दे? पैसे भी दे, मेरे को मेरा कार्ड स्वाइप के गिफ्ट किया, मेरा कार्ड स्वाइप करने के बाद। तूने गिफ्ट किया है इनका कार्ड स्वाइप करके? पसीनों पसीन होगी, मैं ना पंखा बंद करके बैठी हूँ वीडियो के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप लास्ट टाइम? आज के लिए इतना ही। रात के 12 बजे जीजा जी मेरे लिए लाल पीला हरा नीला कुछ तो जूस लेके आए हैं। एप्पल तो
सो अभी रिसेंटली UPSC 2022 का रिजल्ट आया और हमारे उत्तराखंड से भी काफ़ी लोगों ने क्रैक किया. सो 58 रैंक पे दीक्षिता जोशी हैं जो कि हमारे कुमाऊँ से हैं, तो उनका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ अभी, कुमाऊनी इंटरव्यू, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा. और ये रही दीदी. हाय दीदी. और शुरू करते हैं मज़ेदार सा इंटरव्यू. ये नमस्कार दीक्षिता, बहुत स्वागत छो. नमस्ते मैम, धन्यवाद. और जी, और सबसे पहले हमारे पूरी टीम तरबटेक तुमके बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत धन्यवाद. ले हमारे पहाड़क नाम रोशन करने लीजिए. धन्यवाद मैम, सबका आशीर्वाद है. हमारा इंटरव्यू इतना बढ़िया रहा, मुझे इतना मोटिवेटेड फील हो रहा है. मेरी दीदी ने कहा चल बहन सब्जी लेने जाना है, तो मोटिवेट होके अब सब्जी लेने जा रहे हैं तुरंत. बहुत गर्मी हो रही है भाई यहाँ. आई मिस यू मेरे प्यारे पहाड़. जा सब गुजराती में लिखा होता है, कुछ समझ ही नहीं आता इसका मतलब है कि मेहरबानी. अच्छा मेहरबानी करके क्या लिफ्ट में क्या ना करे तेरे जैसे लोग जो गुटका. चलो सब्जी लेने जा रहे हैं हम. आपको मैं जरा सा टूर कराती हूँ जहाँ दीदी लोग रहते हैं उसके आसपास. ऐसा कुछ है यार, आई मिस मेरे बड़े बड़े पहाड़. अभी हम जा रहे हैं दीदी की दगड़ों की दुकान में सब्जी लेने के लिए. दीदी तेरी तो दगड़ो ही नहीं है, अब क्या होगा. है अंदर है इसको. यार तुम सब्जी क्या सब्जी 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 बहुत सब सब्जी. तराजू. हेलो, ये लाफिंग बुद्धा है ना, मुझे नहीं पता इनको क्या कहते. मेरी पसंद की सब्जी. हाँ भिंडी खा लेती हूँ मैं. दीदी जरा भिंडी देना तू अंदर. मिलेंगे और क्या लेंगे, मिर्ची तो है. नाम क्या है तो तुम्हारा नाम क्या है, क्या इसका नाम मैंने तो कैसे भूल ली. शोभना. शोभना या शोभना. हाँ सिंगुली नाम रखा है मैंने. दुकानदार तू है या वो है, वो बाहर खड़ी है अपना अंदर. अपनी दुकान. अपनी दुकान नहीं है. प्याज प्याज. मुझे ना शहरों में ब्लॉग करना नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग. मुझे नहीं पता कहाँ से क्या शूट करना है और कैसे आवाज़ छोड़नी है. और आलू भी दोस्तों रविवार को है ना, अलग अलग होता होगा ना. जैसे हमारे यहाँ क्या होता है तो अमावस्या के दिन वो करते हैं, बरसात के होते हैं, और यहाँ पे पूर्णिमा के दिन लगता है. 15 दिन का गैप है. पंजाब में भी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष वाला फेर बदल होता है कुछ, हमारे पहाड़ में थोड़ा जल्दी आते चीज़ें. सब्जी. और आज है पूर्णिमा, फुल मून डे, तो कितना प्यारा लग रहा है चंदा मामा जी, कितने अच्छे लग रहे हैं. चलो दर्शकों आगे बढ़ते हैं. आजा आजा हमको ऊपर ले जाने. आजा आजा आ गया. यस खुल जा सिमसिम. खुल गई सिमसिम. जा सिमसिम. ओके बाय सी यू कल. जहाँ भी जाते हमारा ताला ऐसे होता. अरे मतलब वो वाला सभी आ रहे. सबको बता दे चिल्ला चिल्ला के स्कीम के मेरा ताला ऐसा होता है. ये आप कह रहे हो क्या दिखा रही है व्लॉग में, बट हमने पता नहीं कितने टमाटर ऐसे खा लिए. बाहर से नॉर्मल दिखने वाला टमाटर और अंदर से ऐसे कीड़े. ये दिख रहा है आपको, ये तो मैं सैलेड के लिए काट रही थी. इसका मतलब हम लोग बाहर से एकदम फ्रेश दिखने वाला टमाटर, एकदम फ्रेश. ये देखो दिख रहा है ये. मेरे को तो अजीब सा ही हो रहा है यार. ये देखो ये देख के खाना पड़ेगा यार. उसको काम वाली को भी बताना पड़ेगा, वो तो वैसे ही बना देती होगी. और ना क्यों हम इतना बाहर से नॉर्मल दिख रहा है, देखो एकदम फ्रेश दिख रहा है, तो कौन करेगा इतना. और इतनी बारीक नज़रें होती भी किसकी है. तूने कैसे देखा यार. मैं देखती हूँ यार, पता नहीं मेरी आदत है, बहुत बेकार है. नहीं अच्छी आदत है. शाबाश शाबाश दीदी शाबाश. आज से तू ही बनाएगी सारा खाना और सारे टमाटर. मैं बनाती हूँ. दोस्तों आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. सब कुछ ही देख लिया आपने, चाँद भी देख लिया, टमाटर के कीड़े भी देख लिए, क्या क्या नहीं देख लिया आपने. सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे जरूरी बात यह है कि मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट है बहुत प्यारी. कल मिलते हैं. कल मिलते हैं.